वालेकुम। आज मैं बनाने जा रहे हैं दम गोश्त का रेसिपी है मेरा। आज आप लोग इसको देखें इस रेसिपी को और बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। ये बहुत मज़े की बने हैं वाकई में, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने बीफ का। सबसे पहले मैं इसमें 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। 1 चम्मच हरी मिर्ची को मैंने कूटा है, 7 से 8 दाने को तकरीबन 1 चम्मच हो गया। और 2 प्याज को मैंने फ्राई किया, इसको कूटा है, इसको भी डाल देंगे इसमें। 1 लेमन जूस, 1 साबुत ज़ीरा आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। गरम मसाला 1/2 चम्मच। लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच कटेला मिर्ची 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच कटेला मैंने इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर 1 चम्मच। नमक इसमें ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हो, बाद में वापस चेक करेंगे। 1 कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और 3 चम्मच घी इसमें डालेंगे। अगर आप लोगों के पास बटर है आप इसमें बटर भी डाल सकते हो। 3 चम्मच घी डाल दिया मैंने इसमें। धनिया पुदीना और हरी मिर्ची को मैंने काटा है बारीक, ये भी इसमें डाल देंगे इसी टाइम। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 1 घंटे के लिए, इसके बाद फिर हम आगे मिलेंगे। अगर आप लोग इसको दूसरे दिन भी बनाएंगे तो और मज़ेदार होगा। मिक्स किया मैंने, मुझे देखे 100 ग्राम से ऊपर दही मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, फिर वापस इसका रेसिपी में शुरू करूँगी। 2-3 घंटा भी आप इसको रख सकते हो, जितना ज़्यादा रखोगे उतने ही ज़्यादा इसमें मसाला जज्ब होगा गोश्त में, इतने मज़ेदार होगा ये। 1 घंटा हो गया डीप फ्रीज़र में, मैंने अभी निकाल दिया। अभी चलो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। ये पतीली है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, चूल्हा मैंने तेज़ किया है। अब ये देखें इसको इसी टाइम इसमें डाल देंगे, चूल्हा हमारा तेज़ ही होगा। तेज़ चूल्हे पे हम इसको गर्म करेंगे पहले। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए मुझे। अभी चूल्हा तेज़ है, भले ही ये गर्म होगा। गर्म हो गया, गर्म हो गया। अब इसमें 1 गिलास पानी में डालूँगी। पानी में उबाल आएगा तो 1 घंटे के लिए मैं दम पे छोड़ूंगी इसको। 1 घंटे के बाद वापस मिलेंगे। देखें कितने मज़े की बने हैं, अभी भी इसमें पानी है। चूल्हे को मैंने तेज़ किया, अभी थोड़ा सा मैं इसको और गाढ़ा करूंगी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इस तरह खाएंगे गाढ़ा करेंगे, मैं इसको और थोड़ा गाढ़ा करूँगी। बस अब रेडी हो गए, अभी हम इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मज़े की बने हैं वाकई में, आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज का रेसिपी हमारा दम गोश्त का था। आप लोग इस रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी है ये, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया इसको। आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत मज़े की रेसिपी है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।